Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. भाजपा के नवनिर्वाचित महापौर और शहर के प्रथम नागरिक नवीन जैन ने नगर निगम पहुंचकर कार्यभार संभाला। साथ ही नगर निगम कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए जनता के हित में कार्य करने की सीख दी। साथ ही देश में राम राज्य का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को लक्ष्मण की उपाधि देने के बाद अपने आप को इन दोनों का सेवक करार देते हुए हनुमान बताया है। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते हुए महापौर नवीन जैन ने नगर निगम परिसर में साफ सफाई कर कार्यालय को स्वच्छ बनाए रखने की सीख दी। देखिए, शपथ लेने के बाद मेरा पहली बार नगर निगम में आना हुआ है। यहाँ मैंने सबसे पहले स्वच्छता को देखा है, सफाई व्यवस्था कैसी है। मैंने एक एक रूम, कमरे, लॉबी और अपना सदन जहाँ बैठक होने वाली है वह, और विश्राम कक्ष, अपना ऑफिस सहित जो बाथरूम है उसे भी देखा। बाथरूम दो निर्माणाधीन है, जो काम चल रहा है महिलाओं वाले, वो काम तेजी से शुरू हो रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। कुछ बाथरूमों को मैंने स्वयं भी साफ़ किया है, मैंने पानी डाल के साफ़ किया, जाले लगे हुए थे और झाड़ू लगा कर उन जालों को भी मैंने साफ करने का काम किया है। और मैंने संदेश दिया है कि कोई भी नगर निगम बिल्डिंग में परिसर में तम्बाकू खा के और पी ना थूके, और उनको हमने दंड का प्राविधान भी किया है। ऐसे निर्णय रखे हुए हैं और पूरा सफाई व्यवस्था हो और नगर निगम बिल्डिंग और परिसर में ही नहीं पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है। शहर की जनता से भी मेरी अपील है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अभियान है कि शहर साफ सुथरा रहे। इस ओर हमारा नगर निगम प्रशासन, हम स्वयं पूरा एक अभियान एक महीने के लिए बना रहे हैं। पूरा सफाई अभियान में सभी अधिकारी और कर्मचारी जुटेंगे और एक आगरा को साफ सुथरा शहर बनाने का प्रयास में एक कदम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पूरा एक प्रोजेक्ट इसका सफाई अभियान का 100 वार्डों का हम बना रहे हैं और जल्दी इस अभियान को प्रारंभ करके एंड करेंगे। सभी नगर निगम के अधिकारी प्रातःकालीन भ्रमण भी करेंगे, जाएंगे, देखेंगे सफाई की कैसी है। मैं स्वयं भी प्रातः एक घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए निरीक्षण का कार्य करूँगा, नियमित रूप से करूँगा। सफाई कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे नगर निगम को जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने की संभावनाएं बन गई है। महापौर नवीन जैन ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। जितने मानकों के अनुसार आबादी के हिसाब से हमें सफाई कर्मचारी चाहिए, जो निश्चित है कि कम नहीं है, लेकिन जितने भी कर्मचारी हैं वो भी पूरी तरह से अगर काम करेंगे और कहीं आवश्यकता होगी तो अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, उनकी मदद सहयोग लेकर हम आगरा को सफाई के मामले में कोई हम समझौता नहीं करना चाहते हैं। स्वच्छता पर विशेष हम ध्यान देंगे और शहर को दिखाएंगे कि आगरा बदल रहा है सफाई के मामले में, और बदलने की शुरुआत हो चुकी है, जो आगरा की जनता आने वाले समय में कहेगी। पहले दिन नगर निगम पहुंचे महापौर से 7 इंडिया न्यूज के संवाददाता अनिल चौधरी के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रथम नागरिक नवीन जैन ने शहर में व्याप्त शौचालय की कमी को दूर करने की बात कही। अभी मैंने सूची मांगी है कि हमारे सुलभ शौचालय सहित कितने शौचालयों का पूरे शहर भर में निर्माण है, और कुछ प्रगति धीमी अगर चल रही है तो बहुत तेज प्रगति से उन शौचालयों को हम निर्माण कराएंगे। एक शौचालय का आगरा में एक जाल बिछाने का काम करेंगे। उन मलिन बस्तियां जहां गरीब क्षेत्र के गरीब लोग निवास कर रहे हैं, उनको खुले में शौच जाना पड़ता है मजबूरी में, उन सबके लिए शौचालयों को नया निर्माण करने का हम काम करेंगे। और मैंने अधिकारियों से भी कहा है, मैं स्वयं अभी जो निर्माणाधीन शौचालय हैं उनका निरीक्षण करने निकलने वाला हूँ। नगर निगम में बनी नई सरकार नवीन आगरा की तरह नगर निगम की बदहाली को दूर करने का काम करेगी। अभी अभी के विश्राम कक्ष अगर हम बात करें, पुराना है, खुला नहीं है, बहुत टाइम बाद ये कमरा खुला हुआ है, तो उसकी साफ सफाइयत के लिए, पेंट के लिए, विश्राम कक्ष की दीवार है, सीलन कहाँ से आ रही है उसे देखेंगे, और कुछ पपड़ी भी जमी है उसे उखाड़ के एक अच्छा विश्राम कक्ष बन सके, तो उसके भी अधिकारियों ने कहा है कि उसे ठीक करा लिया जाएगा। आगरा की जनता ने आगरा के विकास के लिए एक बार फिर भाजपा को नगर निगम की सरकार की जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह होगा कि भाजपा सरकार
जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी। 7A न्यूज के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।